नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ मात्र 40 रुपये में अपने घर पे रूम हीटर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक रूम हीटर रॉड ख़रीदा है मार्केट से, जो इसका रेट है मात्र 40 रुपये। और इसके लिए इसको फंसाने के लिए मैंने, ये देखिए दोस्तों, इसका रेट 9 इंच रॉड का रेट है 40 रुपये और 10 इंच रॉड का है 50 रुपये। ये मुझे मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल गया है, तो इसकी मदद से मैं अपने घर में रूम हीटर बनाने जा रहा हूँ। और ये 230 से 250 वोल्ट पे काम करता है। ये ए प्लस का रूम हीटर रॉड है, ओरिजिनल नाइक्रोम वायर। हाँ, तो इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं, हमें ये दो लकड़ियों की आवश्यकता है। चलिए पहले आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये रॉड अंदर से कैसी दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक मिट्टी जैसा कोई कुछ रॉड है और इसमें नाइक्रोम का वायर लपेटा गया है, और दोनों तरफ से नट लगा करके वायर को कसा हुआ है। और यहीं से हमें यही दोनों साइड से इनपुट देना है। ये देख सकते हैं, ये किसी नट बोल्ट की तरह इसमें गुना खींचा हुआ है और उसी के ऊपर नाइक्रोम का वायर लपेटा गया है। अब ये देखिए, मैंने इसे होल्ड करने के लिए एक तख्ता का टुकड़ा लिया है, छोटा छोटा तख्ता का दो टुकड़ा लिया है, और इसमें एक लोहे का छोटा सा पुराना सा पाइप था मेरे पास, उसे काट करके इसमें फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। इस तरह के तख्ता के टुकड़ा में थोड़ा सा काट करके वहाँ पे उसे होल्ड करने के लिए बनाया और उसे फेविक्विक से चिपका दिया है। इस तरह का हमें दो बना लेना है। सेम तरह से हमें दो बनाया है। अब इसे हमें एक और तख्ता के और स्क्रू के साथ में इसे होल्ड करके स्टैंड बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टैंड बना लिया है। मैंने दो स्क्रू लगा करके इसे कसा हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कस सकते हैं इसे, और बहुत ही कम खर्चे में रूम हीटर अपने घर पे ही बना सकते हैं। अब जो है दोस्तों, इसमें ये रॉड इस तरीके से हमें फिट करना है। ये इस तरीके से इसमें रॉड लगेगा। दोस्तों, रॉड लगाने से पहले हमें वायर जोड़ लेना है। अभी सिर्फ मैंने दिखाने के लिए पहले लगाया है कि किस तरीके से इसमें होल्ड होगा। अब मैं इसे इसमें से निकाल लेता हूँ और वायर लगा करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, इसके चारों तरफ से किस तरीके से ये दिखता है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना।
इस तरह से आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, और ये मैं आपको वायर लगा करके दिखा देता हूँ। इस तरह छोटा वायर लेना है और एक बड़ा वायर। मैंने एक तरफ थोड़ा सा बड़ा वायर जोड़ा हुआ है ताकि तख्ता के पास से चिपकाते हुए वायर को दूसरी तरफ ले जा सकूं। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक बड़ा वायर जो लिया है उसे मैंने टाई बेल्ट के साथ बांधते हुए दूसरी तरफ तक ले गया हूँ, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने वायर को जोड़ा हुआ है और टाई के साथ बांध के मैं इसे इस तरीके से दूसरी तरफ ले गया हूँ जहाँ से मुझे इनपुट देना है। और एक पुराना मेन कोड था मेरे पास, उसे मैंने इसमें जोड़ दिया है। ये हमारा रूम हीटर बन करके तैयार हो गया है, और जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे मैंने पीवीसी टेप लगा दिया है ताकि करंट लगने का डर नहीं है। और अब मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। ये 6 एम्पियर के सॉकेट में मैंने लगा दिया, स्विच ऑन किया तो ये हीट होना चालू हो गया है। अभी ये नया वायर है तो थोड़ा टाइम लगेगा हीट होने में, लगभग 30 सेकंड के बाद ये जो है लाल हो जाता है। और अगर वोल्टेज थोड़ा अच्छा मिले इसमें, 220-250 तक वोल्टेज मिले तो बहुत जल्दी ये हीट होता है और पूरे कमरे को गर्म कर सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लाइट ऑफ करके आपको दिखा दिया कि ये कितना हीट हो चुका है। इस तरीके से आप बहुत ही कम खर्चे में 40-50 रुपये में रूम हीटर बना सकते हैं खुद से ही अपने घर पे। आपको 1,000-1,500 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस रूम हीटर रॉड खरीद के लाइए और अपने घर पे पड़े हुए सामान के साथ में आप इसे बना सकते हैं। कोई ज्यादा इसमें झंझट नहीं है और मैंने इसे सिंपल में ही बनाया है। इसे और सिक्योर भी बना सकता था लेकिन मैंने ज़्यादा इसे सिंपल ही बनाया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।